नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है। हालांकि इसको लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास इस जानलेवा बीमारी की शुरुआत में ही वैज्ञानिकों ने शुरू कर दिए थे। इस क्रम में अमेरिका में एक महिला को वैक्सीन भी लगाई गई थी। यह पहली महिला थी जिसने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। मार्च महीने में 43 वर्षीय जेनिफर हॉलर को सबसे पहले वैक्सीन की खुराक दी गई थी। अब जेनिफर ने वैक्सीन से जुड़े अपने अनुभव को साझा किया है। जेनिफर ने बताया कि अब वो अच्छा महसूस कर रही हैं। वैक्सीन लगाने के 4 महीने बाद भी उन पर किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा है। अमेरिका के सिएटल में रहने वाली जेनिफर को mRNA-1273 नाम की वैक्सीन दी गई थी। इस वैक्सीन के नकारात्मक और सकारात्मक असर देखने के लिए अमेरिका के केपी वॉशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में शोध जारी है। बता दें कि जेनिफर हॉलर एक टेक कंपनी में ऑपरेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उनके पति एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं। हालांकि उन्हें मार्च महीने में ही नौकरी से निकाल दिया गया था। जेनिफर के 2 बच्चे हैं, एक 16 साल का और दूसरा 13 साल की बेटी। जेनिफर ने बताया था कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें एक सामान्य फ्लू वैक्सीन जितना ही दर्द हुआ था। उन्होंने बेहद खुशी जताते हुए कहा था कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही जेनिफर ने यह भी बताया था कि उन्होंने लोगों की मदद के लिए यह रास्ता चुना है। वैक्सीन लगवाने के 4 महीने बाद भी जेनिफर सामान्य जिंदगी जी रही हैं। इस पर उनका कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।